ये जी लेरोत के बाशिंदे, ये ओमराज इनका नाम है, इनका भाई का लड़का है डिंपल, धर्मेंद्र उसका नाम है, उर्फ डिंपल है उसका। इनसे पूछा जाए कि वो घर कब आया है, कितने साल लगे होने उसको घर आए हुए, सच बताना। 2 साल लगे पहुंचने 2 साल लग, आज तक कहाँ था का। वो, हाँ, इतना बताओ कि आज तक वो कहाँ था, आज क्या करता वो, जम्मू में था, खबरें किया करता क्यों था। हो क्यों है जम्मू में बैठा, क्यों उस रोड के चक्कर में है ना। है रोड में अच्छा है रोड के चक्कर। चक्कर में, मगर उसके घर से ही रोड है, साथ में आगे मंदिर है, आपका घर है, हो, वो क्यों इनकार कर रहा है इस रोड को, कि वो क्यों इनकार कर रहा है डिंपल की, ये रोड नहीं आनी चाहिए, क्यों कर रहा है उसको, इसको क्या है इसमें। एक तो मैंने सुना, एक तो मैंने देखा है कि झंडे आपके ऊपर लगाए थे उसने घर में, जबरदस्ती एनसी का झंडा लगाया था, दबाव करने के लिए वो डिंपल कर रहा है हर किसी को, हर, हाँ मैंने आज जम्मू में, हम दो आज उसने ऐसे दबाव किया कि ऐसे बोला है कि मैं अतला देता हूँ, मतलब है कि अतला करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कहीं मीडिया में देखा वो जेल में रहा है, वो पता नहीं क्या क्या हुआ है उसका, मुझे क्या है खतरा है। और इनसे पूछा जाए, हर दुनिया का उसने रुपया देना, रुपया खाकर वो छुपा है जम्मू, हर किसी का 2 लाख रुपए लिया है, नौकरी के लिए लिया है, किसी का मतलब है ठग कर लिया, वो इधर नहीं आता। आज पता नहीं किस तरह आया था, आज कोई मतलब है टीम आई थी इन्वेस्टिगेशन की, लेरोत से मंदिर मैला गौडा जो ये रोड है, ये बीच लेरोत से होते हुए कहा पीएमजीएस वालों को दाव देते हैं हम कि जिन्होंने अच्छी अलाइनमेंट की है, बाकी राजनीति चारे डिंपल की, मनोज बसनी की कहाँ है जम्मू, मनोज बसनी की जम्मू है, मनोज इधर नहीं होता, उसको 6 साल हुए। इनको पूछा जाए डिंपल के बारे में, उस इस सख का भाई का बेटा है, कितना हाँ, सबके भाई का बेटा। दबाव करता आप पर बिना, हाँ हो, झंडे लगाओ जी एनसी के झंडे लगाओ। मैं डीडीसी चेयरमैन को भी ये बोलना चाहता हूं कि इसके बारे में कड़ी सी कड़ी, संगीता मैडम वाइस चेयरमैन, युद्धवीर जी भद्रवाह से मिम्बर है वो डीडीसी, और इनको भी बोलना चाहता हूं कि इस पर क्या है कि हर लोगों को बोल रहा है कि हम रोड नहीं देंगे उधर लेरोत में, रोड नहीं देंगे जब तक आप एनसी के झंडे नहीं लगाएंगे पूरे, आप तब तक वो सिर्फ राजनीति है। 2 साल लगे होने घर नहीं आया, सिर्फ उसके रोड के बारे में, जिसके घर तक रोड है बताओ वो इनकार क्यों कर रहा है, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है बोलो, झूठ सच्ची झूठी है ना, सच्ची है ना, सच्ची सच्ची बात है ना, आज क्यों आए हो बोलो, आज बड़ा वो उधर मीडिया में उछल रहा था, मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूं, पता नहीं किस किस को, सब फ्रॉड, उसको बोलना भी नहीं आता कि डीसी क्या होता है, इतना बताया उसने आगे से कि मैं बताना चाहता हूं, एलजी को बताना चाहता हूं, क्या बताना उसने, जो अपनी घर का रोड का नहीं है साका, किसका वो फिर साका बताओ आप जरा, आप मैं इस आपका मैं शुक्रिया इतना देता हूं आपको कि आप आज मेरे को जम्मू बुलाया कहीं आपने कि आ जाओ भाई, मैंने एक वीडियो देखी है आपकी गांव की, एक दूसरा भी दे रहा था मीडिया में कि वो बता रहा था जी रोड हमें चाहिए, पता नहीं लेरोत का वो बोलता जी नीचे का ये रोड, उसका नाम है क्या मनीष, कोई राजनीति है, सभी बता रहे हैं क्योंकि झंडे लगाने के लिए डिंपल मनोज प्रकाश 4 आदमी है, आदमी को रात को इन्होंने 1000-1000 रुपए देकर इन्होंने आदमी लाए हैं, 10-15 आदमी लड़ाई बेफजूलू किया है कि दबाव करने के लिए इनकी लड़ाई हो, इनकी लड़ाई जहां हो जाएगी, जो ये टीम वाला कोई इन्वेस्टिगेशन करने आया है श्रीनगर से आया है, डर जाए ये, डर जाए ये, क्योंकि ये डर जाए ये भाग जाए इधर, मतलब ये जंगल है बेचारे हमारे लोग हैं, एक मिंटू है उसने सब्जी लगाई है कम से कम 50,000 के खीरे दी है, अनिल एक मेहनत करते हैं अपनी बोरी में उठाते हैं, अगर रो इनको दुख यही है, खुद जा रहे हैं वो जम्मू के लिए, क्या कर रहे हैं वहां से कोर्ट के बहाने खा रहे हैं हर किसी से रुपए, ये बेचारे छुप गए आज, कल इनको फोन आ गया आपने ये करना है, आपने अगर आप सामने ही नहीं आए, अगर आप हमारे साथ में नहीं आए तो आपको भुगतान करना पड़ेगा, यही है ना, उनके सके भाई के लड़का है ओमराज इनका नाम है, उसका डिंपल है, 2 साल से आया घर में, नहीं, करो राम राम, राम राम घर में नहीं ना आया, नहीं आया। फिर बताओ ना उसके घर तक रोड है, उसको क्या इतना उछल उछल कर बताओ ना जरा, साथ में उसके घर के साथ जाती मंदिर महला गोडा मंदिर आगे,
देखो आज कितना उछल रहा था। तो सच है ना बात। नाम क्या आपका? ओमराज। ओमराज वल्दे बाप। आई उसका क्या है नाम? उसका नाम क्या है उसका? धर्मेंद्र कुमार। तो इस तरह क्या बोलते हैं उसको? डिंपल। गुंडा बनाओ, हर तरह गुंडागर्दी कर रहा है। ये मीडियम से मैं इतना अतला देता हूँ, ये मेरी बात ऊपर तक पहुंचानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि गांव में धमकियां देता है, झंडे लगाओ, रोड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन पर आ गए, कोई श्रीनगर के आए थे, जो उनका फैसला होगा मंजूर है हमें, ठीक है। और माफी चाहता हूँ आपसे भी, धन्यवाद।